लेट्स प्रिपेयर आर डिटॉक्स ड्रिंक जो हम सुबह पियेंगे ओवरनाइट। तो यहाँ पे मैंने लिए ऑरेंज और अदरक का छोटा सा स्लाइस। अब इसको अच्छे से मैश कर लिया हमने और पानी के एक जार में डाल देंगे। मेक श्योर जो हमारा जार हो वो ग्लास का ही हो, स्टील या प्लास्टिक का ना हो, बिकॉज अगर हम स्टील और प्लास्टिक का जार लेंगे तो वो बैक्टीरियाज क्रिएट करते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने ऐड करी हैं दो से तीन स्ट्रॉबेरीज ऐड करी हैं। तो दैट्स इट, इसको ओवरनाइट सोक कर देते हैं। कल देखिए, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे इस नए ब्लॉग के साथ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ वर्कआउट के लिए, मतलब साइकिलिंग जाने के लिए ऑलमोस्ट मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। तो जाने से पहले हम लेंगे अपनी डिटॉक्स ड्रिंक जो हमने रात को बनाई थी, फॉर यू गाइस कैन सी। तो देते ऑरेंज। सो ये रही हमारी साइकिल्स, ये था एक लॉक, ये था दूसरा लॉक और ये रही हमारी जेड सिक्योरिटी। तो आज हम लोकेशन थोड़ी चेंज करेंगे, आज हम जाएंगे अंदर और हम आज लेकर आए हैं योगा मैट, जिसे हमने बहुत योगा करनी है क्योंकि यहाँ पे डॉग्स भी हैं आज। तो बाहर नहीं, अंदर जाएंगे। मतलब ये इनकी जगह थी तो ये हमें यहाँ पे बैठने नहीं दे रहे हैं, योगा नहीं करने दे रहे। हम इतना अच्छा मैट लेकर आए थे योगा करने के लिए, कोई ना बेटा कल से पाली जी लेके फ्रेंड बनाएंगे इसको। ये योगा मैट रखती है। लगाया अपना टेबल सेट की है, ये रही हमारी दो बॉटल्स, ये रहा हमारा टेबल जिसके ऊपर आएंगे हमारे दो एप्पल्स फोटोशूट के लिए। ठीक है, एप्पल का टेबल टूट गया है, एप्पल का बाहर ले नहीं पाया हमारा टेबल, बट चलो ये दोनों का लपलपाटा हो रहा है यहाँ पे। एप्पल कह रहे हैं हम दोनों भी छोड़ नहीं सकते, हम साथ में ही रहेंगे और सामने इतना अच्छा व्यू। यहाँ पे बेड के पास ही धोया जा रहा है, अच्छा आसन है हमारे पास। खाने नहीं देंगे ये तो मत डालियो, ये हमारा बेड है जो ये ले, एक एप्पल ही वाला तू ले ले, ये बड़ा है छोटा, ये थोड़ा सा खराब है, ये मैं ले लूँ फिर से धो ले So here is our first meal. तो हम लेकर आए थे एप्पल अपने साथ पिकनिक मनाने आए थे और साथ में हमारे पास है हमारी डिटॉक्स ड्रिंक जो हम पियेंगे आफ्टर वर्कआउट। बहुत वर्कआउट किया है हमने, थक चुके हैं हम इतना वर्कआउट करके, तो एप्पल खाते हैं। एप्पल काफ़ी मीठा है, चिन्नी से भी ज़्यादा। तो वाह सॉरी, अच्छा है उससे तो बहुत अच्छा है। कौन से वाले से? वाले से जो मैंने, हाँ कुकुम्बर वाले से तो अच्छा ही होता ही है। अरे कुछ स्ट्रॉबेरी और उसका ऑरेंज का फ्लेवर आ गया ना इसके अंदर, ये है ये वाला। कितने पेपर दिया तूने? चौथा भी पकड़ा हूँ, एक दो तीन, इसको ज्यादा प्यार है मेरे से, ये चल ही नहीं रहा। वो पत्ते पे है तेरे हाथ पे तो चल रहा है, इसको उठा लेते हैं। आ जा। आ गया, 1 2 3 उड़ने वाले हैं उसको। फेल पास फेल पास फेल पास पास होए फेल पास, थोड़ी फूक भी ना, चला चला चला, ये भी फेल पास, सो के उठ रहा है ये फेल पास। अब नहीं ऐसा पास ही था वो, कोई बढ़िया। ये फेल पास करने में बड़ा मज़ा जो आता है ना, सेटिस्फैक्शन जो होती है वो अलग लेवल की होती है। बहुत किया है मैंने तो अपने स्कूल टाइम में, जब भी एम एस टी होते हैं ना ढूंढती थी मैं लिटरली कोई मिल जाए फेल पास वाला। नोटिस किया है, दिखते भी उस टाइम ही है ज़्यादा, लाइक जब पेपरों में। हाँ ये कोइंसिडेंस होता है।
देखते तभी हैं हम, ढूंढते तभी हैं, मिलता है। सो अभी हम जा रहे हैं घर और फिर मिलते हैं आपको घर जाके। सो बाय फॉर नाउ। सो हियर आई एम प्रिपेयरिंग माई ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले हम एक टेबल स्पून जो है ओट्स का लेंगे एंड थोड़ी सी कॉफ़ी लेंगे। सेकेंड थर्ड हमने दूध लिया है, लो फैट मिल्क, हाफ बनाना दैट्स इट। अब ब्लेंड करेंगे इसको। सो इट इज़ ऑल रेडी, लेट्स चेक इट आउट। सो इट इज़ डन। तो एक ग्लास में इसको पोर कर लेते हैं और फिर इन्जॉय करते हैं अपना मील, मील टू। माय एलिमेंट, ये लिया मैंने सोप एलिमेंट और ये लिया हमारी स्मूदी जिसकी रेसिपी आपको दिखाई है मैंने। बिलीव मी इट्स अमेजिंग। इफ यू वांट छिलका उतार के भी ले सकते हो, छिलके के साथ भी ले सकते हो, बट लोग जो हैं वो ये अप्लाई करते हैं कि वो छिलका उतार के लेते हैं। सो आई एम डन विद माई सेकेंड मील। तो अब मिलते हैं हमने नेक्स्ट कमिंग मील के साथ। सो बाय फॉर नाउ। सो आई एम ऑल रेडी। ये रही मेरी डिटॉक्स ड्रिंक, मैं लेके जा रही क्लास, और ये रहा मेरे पास मेरा फ्रूट। तो इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी ऐड की है, पपीता ऐड किया है एंड अनार ऐड किया है, दैट्स इट। बाय। आओ स्कूल चले हम, आओ स्कूल चले हम। हियर आई एम हैविंग माई मिड मॉर्निंग स्नैक जिसके अंदर मैंने पपीता लिया है हाफ, और स्ट्रॉबेरीज ली हैं 2 से 3, और पोमीग्रेनेट सीड्स ली हैं जिसको अनार कहते हैं, दैट्स इट। सो हियर इज़ माय लंच जिसके अंदर मैंने पुदीने की चटनी ली है, ब्रोकली की सब्जी है, इसके अंदर प्याज और गार्लिक डाला है, दैट्स इट, और कर्ड ली है प्लेन। सो फर्स्ट थिंग जो मैंने किया है, मैंने रोस्ट किया मखाने घी के अंदर ग्रीन टी के साथ, बना लिए थे। तो अब बनाते हैं रेसिपी। इसमें मक्की के दाने डाले हैं मैंने, प्याज डाले हैं और मखाने डाले हैं, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो और सॉल्ट डाला है, और लास्ट में थोड़ी सी मैंने पालक डाली है। सो आई एम हियर विद माय मिड इवनिंग स्नैक। तो यहाँ पे हमने बनाई है अपनी मखाना भेल जैसे कि आपको मैंने रेसिपी दिखाई है। तो मैं जल्दी से इसको टेस्ट करके बता रही हूँ कि कैसी है ये। आप देख सकते हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है। तो जो इसके अंदर क्रंच आता है ना, वो बड़ी लाजवाब है, लाजवाब क्रंच। बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो थोड़ा सा नहाएंगे, फ्रेश होंगे
और हेयर्स भी वॉश करने हैं, तो देखते हैं क्या पहनना है। रात को मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद और डिनर के साथ। गाइस फाइनली आई एम बैक, और वर्कआउट के बाद मैंने बात लिया है, हेयर वॉश किया है, थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ और मैंने फिर उसके बाद डिनर प्रिपेयर किया है। तो डिनर में मैंने बनाई है मूंग दाल, बिल्कुल लाइट खाना रखा है, बिल्कुल सिंपल खाना, मूंग दाल डाली है उसके अंदर, आधा प्याज डाला है, दैट्स इट, और थोड़े से पालक के पत्ते डाले हैं, दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल खाना रखा है। और मैंने सॉल्ट बहुत कम रखा है, बहुत ही कम, ना के बराबर सॉल्ट रखा है, और दैट्स इट, क्योंकि जितनी भी दाल होती है या लेटिन की कोई भी सब्जी होगी, बीन्स हो गए या कुछ भी हो गया ना, तो उसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा सॉल्ट होता है और हाई होता है प्रोटीन के अंदर, तो हमें उस टाइम पे सोडियम थोड़ा सा कम लेना चाहिए जब आपके पास प्रोटीन ज़्यादा है। तो टेस्ट करते हैं और बताते हैं। और ये बिल्कुल लिक्विड ही है, आप देख सकते हो, बिल्कुल लिक्विड ही है, दैट खाना है जिसे मरीजों का खाना होता है, सिंपल, इतनी सी बात समझ लो। पतला होना है तो खाना पड़ेगा, ना लिक्विड नहीं चलेगी। हाँ जिम, अगर जंक फूड, हफ्ते में एक बार ही जंक फूड खा सकते हैं, मेरा रूल कहता है कि हफ्ते में एक दिन जंक फूड खा सकते हैं। एंजॉय करते हैं अपना मील गरम गरम। I'm done with my dinner. Dinner हो गया हमारा फाइनली। तो अब कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा अगर रात को भूख लगी तो आई कैन टेक मिल्क, हल्दी वाला दूध अगर भूख लगती है तो, या ग्रीन टी, दैट्स इट, ये दो ऑप्शंस हैं अगर भूख लगे इन केस। वैसे तो लगेगी नहीं क्योंकि 8:30 हो चुके हैं, अगर भूख लगेगी तो आई विल टेक दिस टू ऑप्शंस, ग्रीन टी और हल्दी वाला दूध, एंड फेस पे ग्लो नहीं है तो डिटॉक्स ड्रिंक्स ट्राई करिए, बहुत ही बेस्ट होती है डिटॉक्स ड्रिंक्स आपके फेस से स्कार्स ख़त्म करने के लिए, आपकी स्किन को हेल्दी दिखाने के लिए, एक प्योर स्किन के लिए डिटॉक्स ड्रिंक्स आर अमेजिंग। अभी मेरा करंट वेट जो है 71 के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मेरे को अपना वेट लेकर आना है अराउंड 65 तक, मतलब करंट वेट एंड इंचज़ कितने हैं और कितनी इंचज़ हमें लूज़ करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़, खुद से प्यार करो, सबसे पहला रूल यही होता है डाइट का कि आप खुद से प्यार करना सीखो, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में जब आप डाइट कर रहे हैं, कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, अगर डिप्रेस है तो उस डिप्रेशन को आप किसी एक्टिविटी में निकालिए, कोई स्ट्रेस है तो एक्टिविटी में उसको बर्न करिए, लाइक जो गो फॉर योगा, गो फॉर एनी एक्सरसाइज यू वांट, कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए जाइए जो भी आपको पसंद हो, या कोई भी अपनी डेली रूटीन में ऐसी एक्टिविटी डालो जो आपको पसंद हो, आई प्रोमिस यू आपका स्ट्रेस झटपट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट कमिंग व्लॉग के साथ, बाय।